Amitabh Bachchan and of course this lady Tapsee Pannu. They are coming back after Pink, which was obviously one of the most brilliant films that we have seen. और इसका पहला गाना जो है आज इट्स डेब्यूइंग ऑन मिर्ची अक्रॉस इंडिया एंड द अदर मिर्ची स्टेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड. सो वी हैव द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग अमाल मलिक. द सॉन्ग इज कॉल्ड क्यू रब्बा. It's composed by him, it's sung by Arman, and it has been written by Kumar. My job is done, and now he knows. You guys are the heroes for today. Even though it's my first day of promotions, you know that, for Badla. But you. I guess today's hero will be all three of them, I'd say, Amal, Arman, and Kumar. So yeah, I mean, this is not a film which is a musical, but it's really important to strike the right chord with at least, you know, whatever few songs you have in this film, because it's not a song driven kind of a film. So I'm happy we are opening it up with Kyun Rabba. So thank you so much. Thank you. And you said it's your favorite song, so thank you even more. Yeah, I heard it during the shoot of the film. We were shooting a few montages for the song, and I was like, when I was told ki hame song ke liye shoot karna hai, and I was like, ये सॉन्ग इस पिक्चर में कैसे डालेंगे, कैसा सॉन्ग होगा. आई थिंक सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कोई सॉन्ग ले आएंगे, ऐसी फीलिंग थी मेरी. बट व्हेन वी ऑल हर्ड इट वी लाइक आई थिंक वी हैव गॉट क्वाइट अ गुड वन फॉर द स्टैंडर्ड्स वी हैड सेट इन आवर हेड के इस पिक्चर के लिए कोई ऐसा सही गाना ले आएंगे सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट. बट वी गॉट रियली लकी. सो या आई थिंक इट्स गुड टू बिगिन इट विद क्यों रब्बा. इसमें हैव टू गिव क्रेडिट टू सोजॉय सर एंड सुनील खेत्रीपाल. हां, दे बोथ जो हमारे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है फिल्म के, यानी मेरे से सिर्फ आई हैव रिक्वेस्टेड देम कि यू नो आपकी फिल्म ऑब्वियसली इतनी डार्क एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो सब्जेक्ट के साथ भी गाना रहना चाहिए, बट व्हेन समवन हियर्स इट ऑन द रेडियो ड्राइविंग दे शुड फील कि ये मेरा गाना है, इट्स माई लाइफ ऑल्सो. सो आई ऑलवेज ट्राई कि बैलेंस हो कि फिल्म के साथ ऑब्वियसली 100% जाए स्टोरी के साथ, बट कहीं ना कहीं एनी वन हु हियर्स इट फील्स कि इट्स समवेयर कनेक्ट्स टू देयर मोमेंट्स इन लाइफ एंड समथिंग दैट दे हैव बीन थ्रू. That's very important. Then only it becomes everyone's song. Amal, this song is obviously it's good. It's very soothing. All the songs will be like Tapsee ne kaha this movie. We didn't really think that it's like it's. Yes, like I think 4-5 songs are. And mera ek aur gana hai. I have 2 songs. And the rest of the songs, I think Clinton Sirajo has composed also in the film. Mera ek aur gana hai with KK sir, jo iske baad aayega. So Tapsee, second time of association karti hai ya Murshid sir ke saath. Kya kuch kehna chahti hai? Kisko? क्योंकि बच्चन साहब को जो भी कहना चाहती हूँ वो कह देती हूँ. फैंस को ये कहना चाहूंगी कि देर इज अ रीजन बोथ ऑफ अस हैव बीन कास्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म आफ्टर पिंक. एंड आई थिंक वो जो सिर्फ एक वेट था इन अ वे टू बी एज लॉयर एंड क्लाइंट अगेन, बट या बट दैट जस्ट अ वेट. सो वेट टिल यू वॉच द फिल्म, क्योंकि ऐसे ही तो दोनों साथ में आने जाएंगे दोबारा, बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ अस डोंट वांट टू स्पॉइल द नॉवेल्टी एंड द काइंड ऑफ लव दैट वी हैव गॉटन इन पिंक. सो शुजॉय हैज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स आई एम श्योर, बट आई थिंक इट बी वर्थ इट. वॉच दिस, मतलब पिंक का एकदम आप लोग सोचोगे कि वो लोग दो अलग लोग थे, ये दो अलग लोग हैं. हम दोनों के कैरेक्टर स्केचेस टोटली डिफरेंट हो चुके हैं. सिर्फ जो मतलब क्लाइंट और लॉयर वाले जॉब्स है, मतलब जैसे वो सेम है बस, बाकी और कुछ भी सेम नहीं है पिक्चर में. ओके, तो आप जिस तरीके से पहली बार देख रहे हैं आप इस तरीके का कोई रोल एक किरदार निभाएंगे, आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आज अभी भी मतलब मैसेजेस आते हैं कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी थ्रिलिंग. वन कॉमन थिंग दैट आई कीप हियरिंग इज कि बहुत टाइम के बाद एक हु डन इट काइंड ऑफ मर्डर थ्रिलर आ रहा है, जो कि कॉमन नहीं रहा अब लेटली विद यू नो लॉट ऑफ अदर जॉनर्स कमिंग इन. तो ये एक चीज डिफरेंट है इसके अंदर कि ये हु डन इट मर्डर मिस्ट्रीज कम हो गई हैं, तो ये वन ऑफ द थिंग होगा. मैं इतना कहना चाहूँगी जो भी लोग देखेंगे, यार जब मैंने सुनी थी स्क्रिप्ट और पढ़ रही थी, और एक मिनट के लिए भी अगर आप लोगों ने ब्रेक लिया इस पिक्चर के अंदर तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया. तो बेटर है कि एकदम फुल फोकस के साथ, 2 घंटे से कम की पिक्चर है तो ऐसे देखना कि मतलब नो नेचर्स कॉल ब्रेक, नो ब्रेक, बिकॉज वरना फिर एकदम सिर के ऊपर से चली जाएगी. इतनी थ्रिलिंग और फास्ट पेस्ड फिल्म है, सो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड फॉर इंडियन सिनेमा. आई फील ब्रेक इज लाइक नो मींस नो.
ब्रेक इज नो मीन नो. तापसी ने ना बोल दिया, आप पहले चले जाओ बाथरूम, बाद में आप पहले वाले चले जाओ, बाद में चले जाओ, बीच में मत जाना, इंटरवल में चले जाना, वो तो कुछ कर नहीं सकते. बट अच्छा, इफ दे मिस इट दे विल सी द फिल्म अगेन, डजंट दैट हेल्प? दे विल हैव, एंड आई विल टेल यू व्हाट, यू विल सी द फिल्म अगेन, क्योंकि पहली बार देखने के बाद आपको रियलाइज होगा, ओह ये तो हमने शायद देखा नहीं था. You know, you have to see the film again. Second time, you'll see, notice more things. That's the beauty about Who Done It kind of a murder mystery. के वापस जाके देखने का मन करता है कि ये मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया था, नोटिस करना पहले. So that is, I think, one of the plus points of this film. So, Topsy Moik, Pink, Manmarsia, क्या कुछ thought process होता है आज जब कोई story आप करना चाहती हैं या कुछ? ऐसी story होनी चाहिए कि जो मेरे time और पैसे के तो मैं करती हूँ picture. I love how she said everything straight. It's a very, y'all have got two people today who talk too straight of their heart. Oh God. Yeah, because today, यार मेरी जनता अगर 3 घंटे अपने life के निकाल के आने जाने के और interval के मिला के अगर अपनी life के 3 घंटे निकाल के आने वाली है theater में और अपने hard earned money देने वाली है ticket के लिए, तो worth होनी चाहिए. तो मैं उसके वैसे judge करती हूँ कि वर्थ है कि नहीं थिएटर में जाके देखना, नहीं तो फिर फायदा नहीं है करने का पिक्चर्स. दैट्स द थॉट प्रोसेस. कैन वी स्टिक टू द सॉन्ग प्रमोशन प्लीज टुडे? हाउ वाज द जॉब नेट सॉन्ग रिकॉर्डिंग कैरियर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस दैट टाइम? आई थिंक बहुत सरियल था. मेरे को यू नो स्टोरी सुनाई सर ने और यू नो ही टुक मी थ्रू द नैरेटिव और उस टाइम पे वो खत्म करके नरेशन में उनके घर से निकला एंड आई केम होम एंड एक ट्यून आई मुझे सिर्फ जो हमेशा ऐसा होता है जब मेरे को मेलेडी आती है मैं सबसे पहले मेरा फ़ोन कुमार को डायल कर लेता क्योंकि द ओनली गाय हु कैन राइट वेरी वेल टू ट्यून इज हिम. एंड वो आए घर पे और हम लोग ने गाना बनाया साथ में, अरमान को बुला लिया. अरमान बेचारा इतना सुपरस्टार है, सिंगर है, फॉलोइंग है, पर मेरे लाइफ में मैं उसे स्क्रैच सिंगर बना चुका मेरे घर में मुझे वो मौका है घर की मुर्गी दाल बना तो बेटा प्लीज कैन यू सिंग दिस स्क्रैच स्क्रैच अवार्ड. सो आई सेड या बिकॉज़ यू नो वी कांट डिसाइड एवरी टाइम पर देख ले. और उसने इतना अच्छा गाया, आई थिंक दैट एट 23 टू यू नो अंडरस्टैंड दोज लिरिक्स एंड मैनेज टू यू नो एक्सप्रेस इतने इमोशंस, क्योंकि आपको पहले फील करना होता है वो सब चीज़ें टू बी एबल टू सिंग इट लाइक दैट. मैंने ये सब चीज़ें फील किया तो मैं उससे लड़ता हूँ 6 घंटे, देख ऐसा ऐसा ऐसे नहीं होता. स्टूडियो लॉक हो जाता है, वो डैड को फ़ोन करता है, मुझे इधर बहुत टेंशन दे रहा है, मुझे घर जाना है, ऐसी सब चीज़ें होती हैं. बट एंड में समथिंग मैजिकल हैपेंस व्हेन आई कोलैबोरेट विद हिम एंड कुमार. सो आई थिंक आवर टीम ऑफ अस 3 इज़ रियली ब्लेस्ड एंड आई एम हैप्पी कि मेरी पहली पिक्चर है विद तापसी. And I never thought that I'll, you know, be the youngest music director for an Amitabh Bachchan film. So I'm just happy and I hope the song is loved. Okay, Tapsi film mein 4 gaane hain jaise aapne bataya, to aapka personal favorite? Ye wala, kyunki honestly, ek to maine yehi wala sabse pehle suna tha. And we shot a few montages specially for this song. Achha, so. Baaki songs ke liye hum logo ne specially ek शूटिंग नहीं किया था बिकॉज देर ऑल मॉन्टाज सॉन्ग जिस इसके लिए थोड़े किए थे शॉर्ट स्पेशली फॉर द सॉन्ग. सो दैट्स वाई एंड दैट मेलेडी दैट इज टॉकिंग अबाउट दैट स्टेज इन योर हेड. सो अनोइंगली व्हेन यू आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट इट केप्ट बजिंग इन द हेड फॉर ओवर अ डे दैट पर्टिकुलर मेलेडी. सो आई थिंक दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. सो अमल आज काफ़ी बातें होती है जब बॉलीवुड म्यूजिक की बात होती है, लोगों का कहना होता है आज के बॉलीवुड म्यूजिक में लिरिक्स नहीं, बीट्स पे उस पे आपका क्या थॉट है, क्या कुछ? सी पिक्चर से पिक्चर डिपेंड करता है. हमारी फिल्म में यू नीड डेप्थ ऑफ यू नो शायरी भी चाहिए, बट यू नो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि शायरी ऐसी हो कि एक 16 साल 17 साल का भी बच्चा समझे और एक 50-60 ईयर ओल्ड सीनियर भी सुने तो बोले नहीं कि कुछ हल्का लिख दिया, रैंडम लिख दिया, यू नो. तो हमेशा मेरे टीम में जो यानी अरमान और अरमान से भी छोटे बच्चे हैं उनको ये हिंदी समझ में आनी चाहिए जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि दे आर नॉट लिसनिंग टू बॉलीवुड, यू नो दे लिसन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश म्यूजिक और जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं ना हिंदी के वो उनके कभी कभी सर के ऊपर से चले जाते हैं. सो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि ज़्यादा हल्का भी नहीं हो जाए और जो जो लोग पोइट्री की कदर करते हैं ऑल दोज पीपल दे शुड ऑल्सो बी हैप्पी. तो कहीं इन बिटवीन है एंड वो पिक्चर से पिक्चर डिपेंड करता है. अभी अगर मेरे को डांस ट्रैक वाली फिल्म मिल जाती है उसमें यू हैव टू मेक जैसे जुड़वा पिक्चर हो तो उसमें आपको मस्ती वाले गाने चाहिए, उसको आप जज नहीं कर सकते. वो पिक्चर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू हैव टू राइट लिरिक्स एंड कंपोज. अच्छा ये बूमरैंग बना इनका.
बदला लेना हर बार जरूरी नहीं होता, बट माफ करना भी हर बार जरूरी नहीं होता. आई थिंक दैट्स द हुक ऑफ द हुक लाइन फॉर द फिल्म एंड फॉर ऑल ऑफ अस यार, फॉर ऑल आवर लाइव्स. फॉर ऑल आवर लाइव्स समटाइम्स वी जस्ट लेट इट गो, समटाइम्स वी थिंक नो इट्स अभी नहीं भाई इस बार पोस्ट आएगा. Yes, 8th of March. 8th of March. Happy Women's Day to everyone on 8th of March. Come and watch the film. सब लड़कियाँ, aunties, ladies. हाँ, उनको लेके उनको दिखाओ और बोलो कि ये मेरा बदला. बहुत जरूरी है. Thank you so much, everyone. Thank you.